कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई रोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। तू जानती थी? उनसे नीतू को ढूंढने की मदद मांगी थी बस। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा, ढूंढने में मदद करना और मदद के नाम पे गिरफ्तार करना दो अलग बातें हैं। उन्होंने विक्की और नीतू को गिरफ्तार क्यों किया? ये तो मैं भी नहीं जानता कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन कोई तो बात जरूर होगी। देखो मैं पुलिस स्टेशन अभी पहुंच रहा हूं और तभी पता चलेगा कि मामला क्या है। अच्छा अभी पापा जी हैं तुम्हारे साथ? हाँ मैं उनसे थोड़ा दूर आके बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो प्लीज उनको इस बारे में मत बताना, माँ की तबीयत इतनी खराब है। ठीक है समी, तुम माँ को संभालो, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ। एक बार केस समझ लूँ तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, बाय। कहाँ थी तू? फोन रिचार्ज कराने। नीतू कहाँ है दी, कुछ पता चला उसका? वो नीतू और विक्की को पुलिस पकड़ कर ले गई है।
अभी पापा जी गए वहां। माँ आपको बुखार तो नहीं है? आपका बीपी लो तो नहीं है ना? सुबह गोली खाई थी आपने? तू तो ऐसा नहीं करने वाली है ना? तू तो नहीं करेगी ना ऐसी कोई हरकत? क्या माँ? मैंने ना बचपन में तुझे एक तो बार डांटा है, जब तू बड़ी हुई ना तो तेरे को चाटा भी मार रहे। मैं क्या करूं मिली, मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं अपनी हर गलती की माफी मांगने को तैयार हूं। माँ आपको ऐसा करने की नहीं बेटा, सच अगर ना तुझे मुझसे कोई भी शिकायत है तो तू कह दे, मैं तुझसे हर बात के लिए माफी मांग सकती हूँ। सच बोली। नहीं माँ, नहीं ऐसा मत कहो माँ। अच्छा सुन, मुझसे वादा कर और कसम का तू सिपी और नीतू की तरह कोई हरकत नहीं करेगी। मैंने तो उन्हें भी कुछ नहीं कहा होता, मैं उनसे भी माफी मांग लेती अगर ये मुझे कहती कि इन्हें मेरा डांटना पसंद नहीं है। क्या करूं, मैंने तो अपनी माँ से यही सीखा कि माँ कभी कभी अपने बच्चों को डांट देती है, लेकिन फिर वो माँ होती है। कि शायद मैंने तुम लोगों को ज्यादा डांट दी। शायद जमाना बदल गया है और मैं गवार ये बात नहीं समझ पाई। ऐसा मत बोलो माँ। आज घर लौटते वक्त लोगों की नजरें जिस तरह से मुझे काट रही थी, या तो मैं जानती हूं या सिमी शायद। तूने देखा ना सिमी, मोहल्ले के लोग 12/24 पर कैसे हंस रहे थे। सर झुका कर आना पड़ा मुझे। कल को इन लोगों को जब ये पता चलेगा कि नीतू बिन ब्याही मां बनने वाली है, तो सिमी को पता था सब कुछ। उसे पता था कि नीतू फिर भी आई मां बनने वाली है। फिर भी इसने मुझे नहीं बताया।
मिली तू ऐसा मत कर बैठना, नहीं करेगी ना, बोल नहीं करेगी ना, जोरी नाम बता अपना। नीतू, नीतू, अरे मेरी नीतू, मेरी बच्ची, अरे मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। अरे मैं पूछता हूँ किस जुर्म में गिरफ्तार किया तुमने? अरे मुझे अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी प्लीज, पुलिस स्टेशन है, शांत हो जाइए। नाम क्या है तेरा? नीतू। सांप का पूरा नाम बता। नीतू सेठी। बाप का नाम बोल। रजिंदर सेठी। लड़का जो पकड़ा गया तेरे साथ कौन है वो? मेरा होने वाला पति। मेरा होने वाला पति, वाह। तेरे पेट में जो बच्चा है ये भी उसी का होगा? हाँ। तो बात पक्की हो गई कि तू इसी के साथ है, और क्या जानती है इसके बारे में तू? बोल, अरे बोल ना। अच्छा तो तू यो ना बताएगी? ए हवलदार, अरे लेकर आइए उसको। जी साहब। अब जब मार पड़ेगी तो दोनों के दोनों तोते की तरह बोलेंगे। देख छोरी, तू नहीं बताएगी तो इसका मार मार के भड़ता तो हमने वैसे ही बनाना है, तब ये खुद ही उगल देगा सारी की सारी काली करतूत। बड़ा हीरो समझे है ये अपने आप। लेकिन यो ना पता कि दिल्ली की पुलिस को चकमा देना इतना आसान नहीं है। तेरे होने वाले पति का नाम तो पता होगा तेरे को? विकी। पूरा नाम नहीं जानती के? इसका पूरा नाम है विक्की दुग्गल। दिल्ली के चार चार थानों में कंप्लेंट दर्ज है इसके नाम। चोरी, गबन और हेरा फेरी जैसे संगीन जुर्म है इसके नाम पे। और इब्बी जिसके यहां ये नौकरी करता था ना, उसके पूरे 40 लाख रुपए लेके भागा ये। इब तू ये बता छोरी कि वो 40 लाख रुपए कहां रखे? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसे ना बताएगी तू? ए, चल लेके जा उसको अंदर। तो अब तू बता छोरी कि वो 40 लाख रुपए कहां रखे? मुझे 40 लाख के बारे में कुछ नहीं पता। अरे बोल दे छोरी, क्यों नौटंकी कर रही है तू? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता 40 लाख रुपए के बारे में।
हेलो हेलो सिमी, पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक विक्की एक पेशेवर चोर है और फिलहाल वो जिसकी नौकरी कर रहा है वो उसके 40 लाख रुपए लेके भागा है। इसका मतलब नकुल के 40 लाख रुपए चुराए। मेरी नीतू का बस। सिमी, मैं नीतू को तो किसी तरह छुड़ा लूंगा, भुलर अंकल इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन विकी को मुश्किल है। कहाँ जा रही हो दी? सारे घर को मुसीबत में डाल के खुद कहाँ जा रही हैं आप? मनोज, इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। हाँ दी, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आप तो सब जानती थी, तो आपने क्या किया? तुझे पता है मैं क्यों जानती हूँ, कैसे जानती हूँ? क्योंकि मैं ही तो इस घर में सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ जिसको सबकी चिंता पड़ी है। मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूँ जिसको सबकी दर्द की पड़ी है, आंसू पोछने की पड़ी है। हाँ, मैं जानती थी और मैंने नीतू का अबॉर्शन कराने की कोशिश भी करी। मैं कहाँ से पैसे लाई, कैसे पैसे लाई, कोई नहीं जानता, नीतू भी नहीं जानती। और उसने अबॉर्शन नहीं कराया, वो आखिरी वक्त में भाग गई और वो उसका दोषी मुझे मानती है, दुश्मन समझती है मुझे अपना। लेकिन मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख हूं कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। दीप, आपने एक बार मुझसे कहकर तो देखा होता आपने। तो तब तक घर छोड़ चुका था अनुज, तेरी सबसे बड़ी बहन तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। और ये घर तेरे लिए पराया हो गया था। तीन बहनों में अकेला भाई है तू, तेरा हक बनता है सबसे ज्यादा प्यार पाने का। लेकिन इन तीन बहनों का एक लौता भाई भी है तू, क्या यही अपेक्षा हम तुझसे नहीं कर सकते? है तो ऐसे नहीं बताएगी। अरे बच्ची को मार डालोगे क्या? जानवर हो गए? बैठा इसको, छोटी सी बच्ची को बैठ जा। अच्छा, तो तू भी मिला हुआ है इन लोगों के साथ? अरे कुछ तो भाई, फैमिली बिजनेस लगता है इनका। क्या बताऊ, बोल। अरे ये बता, 40 लाख रुपए कहाँ कहते ने? पापा जी ने कुछ नहीं किया, उन्हें छोड़ दो पापा। अरे चिल्ला क्यों रही है? ये बता कि पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं तो ये बता कि किसे मारे पहले, तेरे बाप को या तेरे यार को? मैंने कहा ना मुझे 40 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता। अरे ये बता पैसे कहाँ रखे हैं? स्टॉप इट, रुकिए। पहले डीआईजी साहब से बात कीजिए, पुलर साहब से। तो कैसे जानता डीआईजी साहब को? बात कर लो, पता चल जाएगा। हेलो सर जी, हेलो हेलो, मैं रुकू बना था मेरे को तेरी तो। अरे साहब जी, ये छोकरा डीआईजी साहब का भांजा है और डीआईजी साहब का फोन पहले भी आया था इसी केस के वास्ते, इसी के बताने पर तो ये विक्की हाथ लगा हमारे।
अच्छा तो आप ही ने फोन किया था डीआईजी साहब को? अरे पहले ही बता देते। अभी ने मेरे विकी को पकड़वाया, लेकिन क्यों? नहीं समिति, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको और अभी को कभी माफ नहीं करूंगी।